प्रधानमंत्री महोदय, आपका अडानी से रिलेशन क्या, आपका रिश्ता क्या है, क्या कारण है कि आप जब जब विदेश में जाते हैं या तो तुरंत बाद अडानी पहुंच जाते हैं या आप उनको साथ लेकर जाते हैं, किस तरह से श्रीलंका में ठेके दिलवाए और वहां के मंत्री और सांसद स्पष्ट कह रहे हैं कि साहब ये तो ऊपर से दबाव था भारत सरकार का। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो एक तरफ एसबीआई के चेयरमैन और एक तरफ व्यापारी बैठते हैं, बांग्लादेश में बिजली का ठेका मिल जाता है अचानक। क्या भारत की विदेश नीति अडानी नीति पर निर्भर है? क्या भारत की जो अर्थनीति है वो अडानी नीति बन गई है? हमने सवाल पूछा और हमारे सवाल सब जायज थे, लेकिन मोदी जी ने जब भाषण दिया तो अडानी का आम उसे नहीं निकला उनके। आप पूछते हैं साहब वो गांधी सरनेम क्यों लगाया, नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाया? आप जिस तरह से जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं और छाती में हाथ मार के प्रधानमंत्री महोदय आप कह रहे हैं एक अकेला सब पर भारी, अरे भाई एक अकेला तो अडानी है, आप पर भी भारी हो गया है, एक अकेला तो संसद पर भारी, मंत्रिमंडल पर भारी, पूरी सरकार पर भारी, पूरे देश पर भारी। हम तो सोच रहे थे आप अकेले अपने लिए बोल रहे होंगे एक अकेला सब पर भारी, ये तो बाद में पता चला आप अडानी जी के लिए बोल रहे थे। तमाम सवाल पूछे गए, कोई उत्तर नहीं मिला। किस तरह से इस मुद्दे को डाइवर्ट किया जाए, राहुल गांधी जी का एक इंटरव्यू लंदन में दिया गया, उस इंटरव्यू में कहीं कोई गलत चीज नहीं थी। उन्होंने कहा दिस इज आवर इंटरनल प्रॉब्लम, द सॉल्यूशन विल कम फ्रॉम इनसाइड, हमें सॉल्यूशन देना है। उन्होंने केवल यह कहा कि विदेशी लोग भी, विदेशी सरकारें भी हमारे यहां पर लोकतंत्र में क्या हो रहा है उसका नोटिस लें, केवल इतनी बात थी। पूरी सरकार टूट पड़ी, चार मंत्री खड़े हो गए। माननीय राहुल गांधी जी ने कहा मेरे ऊपर आरोप लगे हैं, मंत्रियों ने आरोप लगाए, राजस्थान राज्य से ही लोकसभा के अध्यक्ष आते हैं, उनसे दो बार जाकर मिले, वो उनसे निवेदन किया कि मुझे मौका दिया जाए कि मैं अपना भाषण दे सकूं, अपना वक्तव्य रख सकूं। तीसरी बार लिखित में कहा गया कि मैं अपना वक्तव्य देना चाहता हूं, लेकिन एक सांसद नहीं बोल सकता है संसद के अंदर। कारण क्या है कि जो खुलासे वो करने वाले थे मोदी जी और मोदी जी की जो कायर सरकार है वो डर गए, पता नहीं कौन सी चीजें नहीं आएंगी। और हुआ ये आनन फानन में एक नया मुद्दा 19 में जिसका कोई औचित्य नहीं था। उन्होंने एक सवाल पूछा कि जितने चोर हैं उनके सबके पीछे जो गए हैं उनके स्पेसिफिक नाम लिए उन्होंने कि ये तीनों चारों जो लोग हैं इनके नाम के पीछे मोदी क्यों है, सवाल पूछा। कोलार में भाषण होता है 2019 में, केस सूरत में दर्ज होता है, कोई लोकल स्टैंड आई नहीं। जोधपुर में अगर कोई क्राइम होगा उसका केस क्या उत्तर प्रदेश में चलेगा? नहीं चल सकता। एक व्यक्ति वहां पर गए बीजेपी के, उन्होंने केस फाइल किया, जज साहब ने कहा कि यह संभव नहीं है। 2022 में एक एप्लीकेशन लगती है हाई कोर्ट में, केस को स्टे कर दिया जाए, अभी मैं लड़ना नहीं चाहता हूं। यहां राहुल गांधी जी का भाषण होता है और उसके 9 दिन के बाद एप्लीकेशन लगती है साहब केस दोबारा चालू करना। नहीं, जज साहब आए, जज साहब के ऊपर भी तमाम लोगों के सोशल मीडिया पर मैसेज घूम रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा, हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। पिछले महीने भाषण होता है लोकसभा में, उसके तुरंत बाद केस वापस रिवाइव होता है, एक डेट लगती है, एक डेट में आर्ग्यूमेंट होता है और जजमेंट रिजर्व रख लिया जाता है, और उसके बाद जो हुआ वो आप लोगों ने देखा, रातों रात सदस्यता रद्द करो, ये करो वो करो। आप एक आदमी को बचाते क्योंकि आप उसके हवाई जहाज में सफर करते हैं,
और राहुल गांधी जी अगर संसद में वो फोटो दिखा देते हैं तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता। राहुल गांधी जी ने नहीं कहा कि सारे मोदी चोर, उन्होंने कहा है जो चोर भगोड़े हैं नाम लेके कहा, इनके पीछे सबके पीछे मोदी क्यों है, सवाल पूछा है, स्टेटमेंट भी नहीं। उसके बावजूद मोदी जी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहें, मोदी जी कांग्रेस की विधवा कहें, इनकी एक सांसद रामजादे और हरामजादे शब्द का इस्तेमाल करें और लिस्ट बहुत लंबी, तब किसी का अपमान नहीं।